हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में मैं अपने बॉक्स में कुछ ज्वेलरी रॉ मटेरियल फिल करूँगी, अरेंज करूँगी उनको। तो चलिए देखते हैं मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ। इनका अनबॉक्सिंग का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ बहुत पहले, उसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी उसका लिंक। तो सबसे पहले मैं ये गियर लॉक अनबॉक्स कर रही हूँ जो एशो शॉप से है, एंड मोस्ट प्रोबेबली इनमें से सारा सामान ही एशो शॉप से है। और ये बॉक्स जो आप देख रहे हैं वो भी एशो शॉप से है। अगर आपको ये बॉक्स परचेज़ करना होगा तो मैं आपको लिंक दे दूँगी, और बाकी सब प्रोडक्ट्स का आपको उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले है ये सिल्वर गियर लॉक, एंड ये 5 ग्राम्स है। ऐसी और हॉल वीडियोस के लिए और ऐसे ही ज्वेलरी रॉ मटेरियल के लिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट है ये गोल्डन गियर लॉक, जिसको मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, सॉरी। तो ये ऑलरेडी मैंने डाली है और आप देख ही सकते हैं, एक में सिल्वर है, एक में गोल्डन गियर लॉक है। मैं आपको थोड़ा सा पास से दिखा देती हूँ। प्राइजेस दोनों का सेम ही था। मैं पूरा ट्राई करूँगी, आपको सारे प्रोडक्ट्स का लिंक दे दूँ डिस्क्रिप्शन में, बट आपको उस वीडियो में ऑब्वियसली मिल ही जाएगा। नेक्स्ट ये कुछ बॉल्स थे जो हम राखी में यूजुअली यूज़ करते हैं, और ये मैं प्लास्टिक के साथ ही डाल दी थी क्योंकि ये अगर ये खुले रहेंगे ना तो इनमें डर्ट बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं ये, तो मैं इसको प्रेफर करूँगी आप पैकेट में ही रखिए। ये बॉक्स छोटे छोटे ज्वेलरी रॉ मटेरियल के लिए बहुत यूज़फुल था। नेक्स्ट है ये अगेन राखी के कुछ मैंने बॉल्स मंगाए थे, ये आप नेकलेस में भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत सुंदर लगता है, और ये भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ। मैं अभी सोच रही थी, मैं ऐसे ही ट्राई कर रही थी कहीं कुछ भी कहीं पर भी रखने का, पर मैं लास्ट में जब देख रही थी तो कुछ आगे पीछे लग रहा था, तो मैं लास्ट में चेंज भी करूँगी कुछ। इसमें मैं और राखी पेंडेंट्स ऐड कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं आप लोगों को थोड़ा कैमरा जूम करके दिखा देती हूँ, वो है प्लास्टिक शेल्स। और ये प्लास्टिक शेल्स का मैं आप लोगों को कोई लिंक नहीं दे पाऊँगी क्योंकि ये मैंने ट्यूलिप शॉप से परचेज़ किया है, और अगर आप लोग को भी चाहिए तो आप लोग प्लीज़ मेरे पुराने वीडियोस को रेफ़र कर लीजिए, उससे आइडिया हो जाएगा आपको कहाँ से मटेरियल परचेज़ करना है। नेक्स्ट है इसमें कुछ जंप रिंग्स थे, सिल्वर जंप रिंग्स स्मॉल साइज़ में, तो मुझे लगा कि क्यों ना बेसिक रॉ मटेरियल रख रहे हैं तो वो भी रखा जाए। अभी वैसे है पेंडेंट्स ये सब तो बेसिक में नहीं आता है, बट ये मतलब हम मोस्टली ये बॉक्स इसलिए बना रहे हैं बेसिक रॉ मटेरियल के लिए, तो मैंने सोचा वाई नॉट इसमें जंप रिंग ऐड किया जाए। और मैं इसमें सिर्फ अभी सिल्वर जंप रिंग ही ऐड करूँगी, और कैमरा एक्चुअली थोड़ा सा ब्लर हो गया था। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करूँगी ये आई पिंस, और ये आई पिंस मुझे एक्चुअली सिल्वर कलर में मिला नहीं, और ये 5 ग्राम्स है गोल्डन कलर में, और मैं आपको अभी दिखा दूँगी। एंड ये भी मैंने सोचा था छोटे छोटे आई पिंस हैं तो ये बॉक्स में फिट हो गए थे, तो मैं इसमें डालूँगी। और ये भी ट्यूलिप शॉप से ही था, 5 ग्राम्स का आपको कुछ 10 रुपीज़ या 7-8 रुपीज़ ही लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। तो मैं यहाँ पे वापस कैमरा ब्लर हो गया था, तो आप थोड़ा सा टाइम लैप्स इन्जॉय कर लीजिए। अब मैं सारे मटेरियल का आपको नेम के साथ डिस्प्ले कर देती हूँ, जिससे आप लोग को परचेजिंग करने टाइम ईजी रहे। तो मैं जब ये बॉक्स देख रही थी तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये मैं बेसिक रॉ मटेरियल पे बना रही हूँ ये बॉक्स, तो इसमें राखी पेंडेंट्स कुछ सूट नहीं कर रहा। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ऐसा क्या डालूँगी, मुझे बहुत जल्दी काम आता है, और बहुत मतलब ये हर रोज़ रोज़ कभी ना कभी काम आ ही जाता है, तो मैंने सोचा कि वो चीज़ डाल देती हूँ जो मुझे हर रोज़ काम आता है, और मैं मोस्टली ज्वेलरी उससे ही बनाती हूँ, वो है ये लोरियल्स। और ये भी मैंने ट्यूलिप शॉप से ही ख़रीदा था। वापस मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे दूँगी, उनमें आप उसमें कांटेक्ट करके ये परचेज़ कर सकते हैं, और ये बहुत अफोर्डेबल भी मिल जाएगा आपको, 40 रुपीज़ में 10-15 ग्राम्स आपको दे सकती हूँ मैं। तो ये मैंने इंसर्ट कर दिया, और ये कलरफुल कलर्स में था तो बहुत सुंदर लग रहा था, और ये बहुत टाइनी थे, मतलब सबसे जो सीड बीड होता है ना उसका बना हुआ लोरियल था, तो बहुत सुंदर लग रहे थे।